नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। समर्थ सहारा न्यूज में हम वो खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको सीधा जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। खंडवा से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है खंडवा के समीप ओकारेश्वर तीर्थ नगरी में नर्मदा नदी के तट पर एक नवयुवक पहुंचा, जिसकी अचानक नर्मदा नदी के तट पर पहुंचने के बाद पैर फिसल गया और वह पानी में डूब गया। पानी में डूबने के बाद उसकी मौत हो गई। हमें सूचना मिली कि मुबारक ये डूब गया है, फोटो वोटो दिया, उनको जानकारी मिली, बहुत से पहचान लिया, जिनने अपने कहने बता दिया कि उनका भांजा है। मैं वैसे ही थाने यहाँ पर आया, देखा तो सामने डूबा बोला पानी में, अपने को इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। क्या नाम था इनका और कितनी उम्र? मुबारक है, ये 19-20 साल का है, मैं उनका मामू हूँ। पानी में डूबने के बाद उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने में 2 दिन बाद पहुंची। जैसे ही पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक भारी सुरक्षा बल लेकर नदी पहुंच गए। नदी में पहुंचने के बाद उन्होंने रेस्क्यू भारी पैंच पहुंचने के बाद काफी घंटे वो लगातार मशक्कत करते रहे। सूचना ऐसी मिली थी कि एक व्यक्ति नर्मदा नदी पानी में डूब गया है, जिसकी तलाश कल शाम में हम लोगों ने की थी। देर रात तक गोताखोरों से भी तलाश करवाया, जो उस समय बॉडी नहीं मिली थी, जो आज सुबह नवीन घाट पर बॉडी ऊपर मिली उसकी, जिसको पानी से निकलवा कर फिर उसकी जेब में देखा तो उसकी जेब से उसका एड्रेस और कार्ड मिला। उसके आधार पर उसका नाम मैं है मुबारक, पिता आशिक, मुसलमान, उम्र करीबन 21 साल, निवासी वार्ड क्रमांक 18 काठी बेड़ी सनावत का रहने वाला निकला, जिसके परिजनों को सूचना की गई, उनके परिजन भी आ गए हैं। उसके बाद शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक सनावत का रहने वाला है, जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। वो 2 दिन पहले घर से बिना किसी को बता के वो नर्मदा नदी के तट पर चला आया था। वहीं घर वाले परेशान थे, जैसे ही इसकी सूचना मृत पहुंची, जैसे ही युवक की मृत की सूचना घर वालों को पहुंची तो घर में मातम छा गया।